इस वक्त अडानी ग्रुप को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच विपक्ष ने भी अडानी समूह पर जांच की मांग शुरू कर दी है। एक तरफ विपक्ष अडानी ग्रुप और बीजेपी को एक साथ जोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया है। इसका मतलब अडानी को एक और भारी झटका लग चुका है। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ बताई जा रही है। इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65% अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध को मद्देनजर रखते हुए अडानी के इस टेंडर को निरस्त कर दिया है। हम आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने थे। इनके लिए 25,000 करोड़ के टेंडर हुए थे, जबकि इन्हें कार्य करने का आदेश जारी होने वाला था, लेकिन इनके टेंडर की दर को लेकर विरोध होने लगा। टेंडर के प्रस्ताव के मुताबिक हर मीटर की कीमत करीब 9 से 10 हजार रुपए पड़ रही थी, लेकिन इसकी अनुमानित लागत 6,000 रुपए प्रति मीटर बताई जा रही है। इसलिए अडानी के इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। धीरे धीरे अडानी की संपत्ति में काफी गिरावट होती जा रही है, जो कभी 127 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन अब सीधे 61 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। अडानी समूह के इस टेंडर को निरस्त करने से विपक्ष भी हैरान हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता का कहना है कि बीजेपी सरकार और अडानी के अच्छे संबंध होने की वजह से बीजेपी अडानी ग्रुप पर जांच नहीं कर रही है और न ही इस मुद्दे पर संसद में कोई बात करना चाहती है। वैसे तो विपक्ष का अभी भी यही कहना है कि अडानी समूह पर जांच होनी चाहिए।